चैंबर ऑफ कॉमर्स डूंगरपुर के चुनाव संपन्न हुए। अपने में भी नहीं सोचा था मिलकर इस भागीरथ अभियान को और भी ऊंची तीव्र गति देंगे और शहर के विकास और जिले के विकास के लिए सदैव समर्पण भाव से कार्य करेंगे। बोल रहे थे साथियों, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं कि ये चैंबर के निवास तक लेके जाएंगे। आप कृपया सभी साथ रहें, कृपया धीरे धीरे सभी आए और सभी सम्मानित करें। आप सभी लोग भोजन के लिए सादर आमंत्रित हैं, वहाँ भोजन चल गया है, स्वागत करें, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ताकत है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस चैंबर की ताकत को हम किस तरह से और ज्यादा बनाएं और मजबूत बनाएं, इस ओर भी हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। मेरा सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन है, विधानसभा चुनाव हमारे बहुत नजदीक हैं और अभी हमें हमारी ताकत और ऊर्जा दिखाने का समय है। बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो राजस्थान सरकार स्तर पर व्यापारियों की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। आप सब, क्योंकि अभी सीजन का समय है, जितने भी व्यापारी बंधु आए हैं मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप लोग सीजन होने के बावजूद भी दूर दूर से चलकर चैंबर के प्रति जो आपने दृढ़ता प्रकट करी है तो आपकी बजाएंगे। आपने जो सम्मान और प्यार मुझे दिया है, मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैंबर पर ना तो किसी बाहरी शक्ति का और ना ही किसी राजनीति का कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव, अगर मुझे पुनः कार्य करने का मौका मिलता है तो कभी नहीं आने दूंगा, ये विश्वास आपको दिलाता हूं।